जब सृष्टि के आरंभ में चारों ओर केवल अंधकार था, जब समय और स्थान की कोई सीमा नहीं थी, तब एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। इस प्रकाश ने न केवल अंधकार को चीर दिया, बल्कि जीवन का आरंभ भी किया। यह ज्योति कोई और नहीं, बल्कि स्वयं माँ कुष्मांडा थी। देवी कुष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। आइए, आज नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा की महिमा का गुणगान करें। जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी हंसी से संसार का सृजन हुआ। आज की यह कथा न केवल आपको माँ के अद्वितीय रूप से परिचित कराएगी, बल्कि आपके भीतर अदम्य शक्ति और अपार भक्ति का संचार करेगी। माँ कुष्मांडा का रूप अलौकिक है। जैसे सूर्य की किरणें भी उनकी दिव्यता के आगे फीकी पड़ जाएं, उनके मस्तक पर अर्धचंद्र और उनके आठ भुजाओं में विभिन्न शस्त्र, कमंडल, जपमाला और अमृत कलश शोभायमान है। इस रूप में माँ समस्त सृष्टि की संचालक है। माँ का नाम कुष्मांडा इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने कुष्मांड अर्थात ब्रह्मांड के अंडाणु का निर्माण किया। यह केवल एक मिथक नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। माँ की मुस्कान से ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार हुआ और हर दिशा में जीवन की किरणें फैली। उनका निवास सूर्यमंडल के भीतर माना जाता है, जहाँ कोई भी साधारण व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन माँ कुष्मांडा वहाँ भी अपनी शक्ति और प्रकाश से सबको जीवन प्रदान करती है। उनका यह रूप हमें यह सिखाता है कि अंधकार में भी जब सभी दिशाएं बंद हो, तब भी हमारे भीतर सृजन की अपार क्षमता छिपी होती है। यह उस समय की बात है जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था। चारों ओर केवल घना अंधकार था, जीवन का कोई संकेत नहीं था और ना ही समय की कोई गति। तभी माँ कुष्मांडा ने एक हल्की मुस्कान के साथ इस सृष्टि का निर्माण किया। उनके एक छोटे से हास्य ने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। यह वह क्षण था जब जीवन ने अपनी यात्रा की शुरू की। माँ की इस हंसी से चारों ओर प्रकाश फैल गया और धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु का जन्म हुआ। यह केवल सृष्टि की उत्पत्ति नहीं थी, बल्कि यह जीवन की अनंत यात्रा का प्रारंभ था। माँ ने अपने तेजस्वी रूप से ब्रह्मांड को आकार दिया और इस प्रकार संसार के सभी प्राणियों का जीवन आरंभ हुआ। देवी कुष्मांडा का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में निराशा और अंधकार का अनुभव करते हैं, तब भी हमारी एक मुस्कान हमारे चारों ओर चमत्कार कर सकती है। समय बीतता गया और संसार में जीवन अपनी गति से बढ़ने लगा। लेकिन हर युग में जब असुर शक्तियां प्रबल हो जाती थी, तब देवता माँ कुष्मांडा की शरण में आते थे। माँ का तेज और उनका अनंत बल हर बार देवताओं को नया जीवन देता है। उनकी आठ भुजाओं में धारित शस्त्र और वरदान यह संकेत देते हैं कि माँ हमेशा अपने भक्तों के संकटों को दूर करने के लिए तैयार रहती है।
माँ का यह स्वरूप हमें यह सिखलाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, अगर हम सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं तो हर बाधा अपने आप दूर हो जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा से मनुष्य को अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती है। वे न केवल भौतिक संकटों से मुक्त करती हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति का भी संचार करती है। ऐसा माना जाता है कि माँ की पूजा से आयु, यश और आरोग्य की प्राप्ति होती है। वे अपने भक्तों के सभी रोगों और कष्टों का नाश करती है और उन्हें उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। माँ की आठ भुजाओं में स्थित शस्त्र उनके शक्तिशाली और सृजनात्मक स्वरूप का प्रतीक है। माँ की कृपा से हर वक्त के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। उनकी मुस्कान ही यह बताने के लिए पर्याप्त है कि वे अपने भक्तों को हर संकट से उबारने का सामर्थ्य रखती हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्त के जीवन में समृद्धि और सुख शांति का आगमन होता है। माँ कुष्मांडा की आराधना का महत्व इसलिए सबसे अधिक है क्योंकि वे सृष्टि की आद्या शक्ति मानी जाती हैं। माँ की कृपा से भक्त को ज्ञान, वैभव और शक्ति की प्राप्ति होती है। माँ के प्रसन्न होने पर भक्त को जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। माँ कुष्मांडा की पूजा न केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि जीवन में सृजनशीलता और सकारात्मकता का कितना महत्व है। जो भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा करते हैं, उनके जीवन में अंधकार कभी भी स्थायी रूप से नहीं टिक पाता। माँ की कृपा से जीवन में हर बाधा का समाधान निकल आता है और संकट के बादल छंट जाते हैं। माँ का यह रूप हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि माँ कुष्मांडा की तरह हमें हमेशा सृजन और सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहिए। माँ कुष्मांडा का यह रूप हमें यह संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। हमें अपने जीवन में सृजनात्मकता को बढ़ावा देना होगा और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। माँ की कथा हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन में विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। तो आइए इस नवरात्रे के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना करके हम भी अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें। माँ की कृपा से हमारे जीवन में हर संकट का समाधान हो और हमारा जीवन सृजन और सकारात्मकता से भरा रहे। माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद हर भक्त के जीवन में हमेशा बना रहे और उनके जीवन को उन्नति और समृद्धि की ओर ले जाएं। जय माँ।